जी हाँ, देखिए मैं आप सबसे पहले तो एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ कि आपका चैनल है जिसने भारत यात्रा पार्ट वन, सबसे पहली जो भारत यात्रा हुई थी उसको लगातार कवर किया था, और मैं भी उस आपकी उस कवरेज में सहभागी रही थी, मैं भी लगातार पार्टिसिपेट करती रही। और मैंने तब भी कहा था कि ये जो पदयात्राएं हैं ये राजनीति का एक नया टूल बनने वाली है और इसका एक दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि उस वक्त हमारे YouTube पे भी जो पत्रकार भाई हैं, उन बंधु हैं, उन लोगों को भी मतलब कोई इसमें नजर नहीं आ रहा था पोटेंशियल कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, शायद होके और बंद हो जाएगी। लेकिन मीनू मैं जी तब आपको भी शायद याद होगा, मीनू जी शायद आपको जी याद होगा, हमारे ही कुछ पैनलिस्ट साथी, बड़े अदब के साथ मैं कहूँगा, वो कहते थे राजीव जी आपको इस यात्रा से ज़्यादा ही कुछ आप ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ज़्यादा उम्मीदें पाकर रखे हुए हैं, पाल के रखे जी हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी 10 किलोमीटर से या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, और देखिए राहुल गांधी जी 4,000 किलोमीटर ही नहीं चले, बल्कि अब 6,200 किलोमीटर भी चलने वाले हैं। जी मीनू जी, जी जी तो वो यात्रा आप लगातार वहां से जो शुरू हुई यात्रा, मुझे इसमें तब भी पोटेंशियल नजर आ रहा था। वो किस लिए आ रहा था? क्योंकि जो लोगों का जो रिस्पांस था वो ये बता रहा था कि जनता नेता के साथ मिलना चाहती है और मिलकर चलना चाहती है। और एक साल पहले की बात है राजीव जी, उसके बाद से इस देश में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जिसमें कि लोगों की बेबसी सामने आई है और वो चाहते हैं अपनी आवाज उठाना, लेकिन उनको कोई लीडर चाहिए। देखिए जनता स्वतः तो सड़कों पे अपनी लीड खुद को लीड नहीं कर सकती, लेकिन उनको चाहिए कि कोई नेता सामने आए तो हम उसके पीछे लामबंद हो जाएं, हम उसके पीछे चलें। मैं आपको इसका एक पहले ही बता देती हूँ कि ये घोषणा हुई सुबह और मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, जो उन 14 राज्यों में, कई राज्यों में कॉन्टेक्ट है, वो बोले आप मीडिया से जुड़ी रहती हैं, आपको सारी जानकारी होगी, हमें बताइए कि किस दिन हमारे यहाँ आएगी और हम जुड़ेंगे इसमें। बोले हम पिछली बार मिस कर गए थे, हमें लगा नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन अब लगता है कि ये तो जिंदगी का अनुभव है, हमें जाना है और साथ देना है, हमें आवाज उठानी है। तो ये चीज देखिए, अब इसमें आपने न्याय यात्रा की बात की कि इसको न्याय यात्रा कहा गया। देखिए असल में न्याय का जो जो हत्या हुई है वो मणिपुर में हुई है, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक चुनाव, बहुत ही समझबूझ के साथ और बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है कि मणिपुर से इस यात्रा को शुरू किया गया। मणिपुर वो जगह है जहां पे इस देश की दो महिलाओं को नग्न करके सड़क के ऊपर घुमाया गया, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और फिर सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना सब कुछ हो गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे, 2 महीने तक 3 महीने तक कुछ नहीं बोले। जबरदस्ती उनसे विपक्ष ने जबरन उनका मुंह खुलवाया, वो भी वो 2 घंटे सदन में बोलते रहे, उसके बाद केवल 38 सेकंड के करीब, 2 सेकंड के 2 मिनट के करीब उन्होंने मणिपुर के ऊपर अपना मुंह खोला। लेकिन जो देश की महिला बाल विकास मंत्री है, जो हर बात में बोलती है संसद के अंदर, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। देश की राष्ट्रपति जो महिला है स्वयं, उन्होंने कुछ एक शब्द नहीं बोला। महिला राष्ट्र आयोग की अध्यक्ष ने कोई एक शब्द नहीं बोला, और इवन यहां तक कि जो राज्यपाल थी मणिपुर की, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो जहां पे अन्याय, जिसको कहते हैं कि महिला जो हमेशा से अन्याय और शोषण का शिकार रही है, तो वहां पे केवल राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे देश के जो वहां पहुंचे उनके घावों पे मरहम लगाने और उनकी बात को सुनने। तो आज जो फिर वहां वापस जा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है महिलाओं से कि वो इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा रूप सहभागिता करें, क्योंकि महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वहां से जा रहे हैं। वहां जो अन्याय हुआ है उन महिलाओं के साथ, एक समुदाय विशेष की महिलाओं के साथ, और आज भी मणिपुर में ये गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो उसके बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। तो वहां से इस यात्रा का शुरुआत होना, तो इसका मतलब क्या कि वो मणिपुर के लिए न्याय मांगने की शुरुआत होगी। जो सरकार है उसके उसके कान में आवाज पहुंचे, इसकी एक कोशिश होगी। और न्याय किस न्याय होगा? आर्थिक न्याय होगा। देखिए एक आप कहते हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था किसके लिए है? कुछ गिने चुने लोगों के लिए। बाकी की जनता, 80 करोड़ की जनता जो है वो सरकारी अनाज के ऊपर अपना पेट भरती है। अगर सरकार से अनाज मिलेगा तो उनका पेट भरेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो ये भी न्याय, उनको आर्थिक न्याय भी चाहिए। देश की जो संस्थाएं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, उनका सबका सबको तहस नहस नेस्तनाबूत कर दिया गया है। वो न्याय चाहिए। जनता की आवाज को गला घोटा जा रहा है, जनता के प्रतिनिधियों को बोलने से रोका जा रहा है। इवन जनता के जो प्रतिनिधि है, सांसद है, वो संसद में नहीं बोल सकते,
उनको बोलने से रोका जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है सदन से, वहां न्याय चाहिए। मतलब एक अन्याय, एक तरीके का अन्याय हो रहा है, 1000 तरीके का अन्याय हो रहा है। मीडिया देखिए क्या दिखाता है, दिन रात एक ही चीज। ये जनता की, जनता का जो आंखें है उनके ऊपर अन्याय है, बुद्धि, जो बुद्धि के ऊपर जो उनको सवाल उठाया जा रहा है कि आप मतलब बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया है जनता को, तो उसका भी न्याय होगा। इसमें बहुत सारी, एक न्याय की एक आवाज नहीं उठेगी, कई सारी आवाजें हैं राजीव जी, जो ये भारत जोड़ो यात्रा एक साथ उठाएगी। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा पहली जो थी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि ये तीसरी भारत जोड़ो यात्रा है। पहली भारत जोड़ो यात्रा 31 जनवरी को खत्म हो गई थी, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लगातार चलाते रहे, चाहे वो रामेश्वर सब्जी वाले से मिले, चाहे गिग वर्कर से मिले, चाहे कुलियों से मिले, चाहे ट्रक ड्राइवर से मिले, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मिले, वो भारत जोड़ो यात्रा दो थी और ये तीसरी चल रही है। इसमें भारत जुड़ेगा और डेफिनेटली इसकी टाइमिंग वगैरह की जो बातें हो रही है वो आगे आप बात करेंगे, तो आगे उसके बारे में और डिटेल बात आगे हम लोग करेंगे। तस्वीर आई थी आपके, आपने काफी दिखाया था उसको अपने टीवी स्क्रीन पे, एक केरल की एक तस्वीर थी, उसमें एक यंग लड़की थी 13-14 साल की, वो पीछे से आती है अपनी सहेलियों के साथ और वो राहुल गांधी से लिपट के रोने लगती है। वो इतनी उत्साह, मतलब उसका इतना भावावेग, उसका वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है अपनी खुशी को और रोने लगती है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात ये नहीं थी, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिस वक्त वो राहुल गांधी के पास आती है, उसी वक्त वहां केरल की फिल्मों का एक बहुत बड़ा अभिनेता सुपरस्टार राहुल गांधी के साथ चल रहा था, वो सुपरस्टार की तरफ देखती भी नहीं। भाई 13-14 साल की लड़की का अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, एक सुपरस्टार की तरफ होना चाहिए। वो लड़की सुपरस्टार की तरफ नहीं देखती और वो सुपरस्टार भी पीछे हो जाता है और वो दौड़ के राहुल गांधी से लिपट के रोने लगती है, उसके सैलाब जो है वो रुकता नहीं है। तो ये एक जो ये तस्वीर थी, ये एक बहुत ही जिसको दिल को छू लेने वाली तस्वीर थी कि जो सामने से आ रहा है राहुल गांधी, उसमें लोग क्या छवि देख रहे हैं। देखिए आप किसके कंधे पे सर रख के रोने लगते हैं, ये उस लड़की की बात नहीं कह रही हूं मैं औरों की भी, महिलाओं ने अपने दुखड़ा वहां शेयर किया, जैसा आपने बताया कि वहां पुलिस आ गई कि भाई किन किन लोग, महिलाओं ने क्या क्या बताया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की बातें मुझसे शेयर की अपनी, तो उनके पास पुलिस आई कि भाई ये बताओ, राहुल गांधी के यहां पहुंच गए थे कि ये बताइए उन महिलाओं के नाम पते दीजिए कि वो कौन थी महिलाएं। अरे आप सुरक्षा दे नहीं सकते महिलाओं को, और ऊपर से आप जिससे महिलाएं अपना दुखड़ा शेयर कर रही है वहां पुलिस भेज देते हैं। तो जो ये न्याय की यात्रा जो मणिपुर से शुरू होगी राजीव जी, मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो जिन जिन राज्यों से निकल रही है उन राज्यों में टच करती जाए, जहां जहां अन्याय हुआ, उन्नाव की पीड़िता के गांव से निकले, हाथरस की पीड़िता के गांव से निकले, क्योंकि इस बार सारी यात्रा पैदल नहीं है, बस से जाया जा रहा है, तो ट्रेवल को जो दूरी है उसको दूर पार करने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है। या ये सरकार 33% आरक्षण की बात करती है और झुंझुना थमा देती है कि भाई 10 साल बाद मिलेगा आपको आरक्षण, मतलब ये तो ये सरकार का तो ये महिलाओं के प्रति ये रवैया है कि उनको एक लॉलीपॉप थमा दो कि आपको आरक्षण दे दिया लेकिन 10 साल बाद मिलेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी जो जिनके के प्रति महिलाओं बेखौफ होके जो उनके साथ चल रही थी, उनके साथ मिल रही थी, अपने मन की बात कह रही थी, तो ऐसा व्यक्ति अगर न्याय की बात करेगा तो उसके मुंह से न्याय की बात शोभा भी देती है कि ये कह रहा है तो ये करके दिखाएगा। और डेफिनेटली जो देखिए राहुल राजीव जी, इस घटना से जो ये यात्रा जिस दिन शुरू होगी, नंबर एक तो संक्रांति है उस दिन, संक्रांति का मतलब माइग्रेशन, मतलब देश जो है अब जो 10 साल तक जिस रास्ता पे चल रहा था उसको छोड़ के अब दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा 14 जनवरी से, ये उस चीज का बहुत बड़ा प्रतीक है। संक्रांति मतलब देश अब जो रास्ते पे चल रहा था 10 साल से, अब उसको लगा कि ये गलत रास्ते पे आ गए थे हम, अब सही राह पे पकड़ेगी, सही राह पकड़ेगा और राहुल गांधी के पीछे चलेगा। दूसरा ये इसमें दूसरी बात ये होगी इसमें महत्वपूर्ण राजीव जी कि मणिपुर जो कि जिसके बारे में प्रधानमंत्री देश के नेता होने के बावजूद चुप्पी साधे रहे, एक शब्द नहीं बोले और गए तो थे ही नहीं, उस और उस घटना की चर्चा न केवल इंडिया में पूरे विश्व के मीडिया में हुई, जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, और उसमें यूरोपियन यूनियन में उसकी चर्चा हुई जो उन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तो राहुल गांधी जब मणिपुर से उस यात्रा को शुरू करेंगे और बार बार आएगा मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, तो जो मणिपुर का नाम बार बार आएगा वो खा जाएगा,
आप देखिए बार बार एक स्ट्राइक करेगी आपके दिमाग पे बात कि अच्छा वही मणिपुर, अच्छा जहां पे महिलाओं के साथ ये हुआ था। तो ये ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तक ये बात रेजोनेट करेगी राजीव जी, और इसका प्रभाव जितना दूरगामी होगा, जो पिछली यात्रा का तो आज असेसमेंट हो रहा है, आप इस यात्रा का तो साथ साथ होगा असेसमेंट जो ये यात्रा चलेगी। उसमें लोग बता रहे हैं कि जी आप जाएंगे तो वो कौन देखेगा, वहां पार्टी है, चुनाव हो रहा है, चुनाव की वजह से अभी आप वहां निकल जाएंगे तो कैसे देखेंगे चुनाव को। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं राजीव जी, चुनाव घोषित होने वाले हैं, आप जो आपके पैनलिस्ट में भी कोई बता रहे थे कि शायद वो जल्दी कर दे शुरू, चुनाव को घोषणा कर दे या देर में भी करें। तो देखिए इस वक्त माहौल गर्म है और गर्म तवे पे ही रोटियां सेकी जाती हैं, तो बड़ा सही समय है इसको करने का। और क्योंकि इंडिया गठबंधन बन चुका है तो अब जो कैंपेनिंग वाला हिस्सा है उसमें हर नेता के ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं रहेगा। मान लिया राहुल गांधी हैं, अब मान लिया उनके, मान लिया वो बंगाल में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं है प्रचार का। बिहार में वहां स्थानीय पार्टी देखेगी प्रभाव प्रचार को, उसमें वो बीच बीच में अगर जरूरत पड़ी तो वो एक, अगर जल्दी भी इलेक्शन हो जाते हैं तो वो एक बार जा सकते हैं। तो इसके बाद ये जो घटनाक्रम चलेगा और उसके बाद जब मुंबई पहुंचेगी, देखिए मुंबई वो जगह है, मुंबई सॉरी मेरे मुंह में बंबई चढ़ा रहता है, मुंबई जो वो जगह है जहां से इसी कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो की कॉल दी थी, अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये वो जगह है मुंबई जहां जाके यात्रा का समापन होगा, जहां से कॉल दी जाएगी फांसीवादियों भारत छोड़ो। जी राजीव जी।